प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की बढ़ती सक्रियता जो कि जिले में खड़गपुर और शामपुर एरिया में देखी जा रही थी, सूचना मिली कि वहां पर हथियार और आर्म्स और एम्यूनिशन की आपूर्ति की जाने वाली है। इसके बाद एसटीएफ और एसडीपीओ तारापुर की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा पुलिस के द्वारा एक संगठित छापामारी की गई। वहां से काफी सफलता मिली, 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, डेटोनेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य नक्सली प्रतिबंधित मटेरियल जैसे कि लेटर पैड वगैरह की बरामदगी हुई। मुख्य जो बरामदगी है वो है एक 315 बोर की राइफल, एक .22 राइफल, एक मास्केट, एक देसी कट्टा, 7.65 बोर की एक देसी पिस्तौल, एसएलआर की करीब 231 गोलियां, .303 की 53 गोलियां, इंसास की एक गोली, AK-47 की एक गोली तथा 21 पीस डेटोनेटर, 2 एसएलआर की मैगजीन, 7.65 mm की 6 गोलियां, करीब 220 मीटर तार, 7 मोबाइल, 1 बिंडोलिया और 15 नक्सली लेटर पैड किए गए। प्रमुख नक्सली इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से नित्यानंद चौरसिया और डब्लू चौरसिया, इसका इस संगठन से करीब 10 वर्ष से ऊपर से संबंध रहा है और ये नक्सलियों को नए लोगों को जोड़ने में मदद कर रहे हैं।